साइड कोहिमा, वेस्ट साइड कंडला, नॉर्थ साइड कश्मीर, साउथ साइड कन्याकुमारी, ऑल साइड मिला के इंडिया बनता है जहाँ का बच्चा बच्चा रघु रोकड़ा को जानता। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग? सो आज मैं अपना होम जिम बना रहा हूँ। फर्स्ट मेरा ये है प्रेपरेशन होम जिम के लिए। सो ये एक बारबेल हो गया। मेरा डॉग डर रहा है अभी। डॉगी डॉगी कभी कभी वो डर रहा है। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ है, बहुत हैवी चीज़ घर पे आई है। ये बारबेल है, ये ट्रैप बार है। सुरेश सर ने मुझे गिफ्ट किया था ये बारबेल एशिया से पहले फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस वगैरह। तो थैंक यू सुरेश सर ट्रैप बार के लिए। और ये अपना यूजुअल ये परफॉर्मर के प्लेट्स है, पावर लिफ्टिंग प्लेट्स वगैरह। ये रैक मैंने पहले से ही बना के रखा था। नॉर्मल ये डोर से बनाया था एक्चुअली, ये बस जो डोर थे ऐसे उससे बनाया था मैंने। ये प्लेट्स रखे हैं मैंने अच्छे खासे, लॉक वगैरह सब कुछ है। अभी बस स्क्वाट रैक आना बाकी है और बेंच आना बाकी है बस। तो वील मीट यू आफ्टर द बेंच एंड स्क्वाट रैक कम्स। और मैट भी आने वाला है एक्चुअली, ये सरफेस में पूरा मैट जाएगा। ओह अगेन माय डॉग, ये सरफेस में पूरा मैट जाएगा। एज यू कैन सी साइकिल कपड़े हैंग करने के लिए। चलो अभी यहाँ पे मैट आएगा। ए गाइस, आप देख सकते हैं अभी मेरे मैट्स लग गए हैं प्रॉपरली। ऐसे 8 फुट है और ऐसे 7 फुट है। मेरा रॉड प्रॉपरली बैठ नहीं रहा पर अच्छा है। बहुत काम किया यार, मेरे मॉम ने बहुत हेल्प किया। अभी क्या करना है इसको, आई वाज थिंकिंग बीच में एक प्लाईवुड डाल देते हैं। सो जब प्लाईवुड आएगा फिर देखता हूँ, अच्छा तो नहीं लगता। एज यू कैन सी प्रॉपर व्यू आ रहे भी ऐसे सिनेमैटिक व्यू। विद द मैजिक ऑफ माई वीडियो शायद से यहाँ पे प्लाईवुड आ जाएगा। ये है 8 mm का प्लाईवुड, 4x8, 4x8 और 4x8। और ये है 19 mm का प्लाईवुड, 8x4। तो अभी इसमें ये मैट्स रखे मैंने यहाँ पे, मैट्स डालना है उस काट के यहाँ पे, तो पूरा प्लेटफॉर्म बन जाएगा, एकदम मस्त प्लेटफॉर्म बन जाएगा। ओह नो, चलिए अभी चुटकी में हो जाएगा। 1 2 3, बताइए कैसा लग रहा है कमेंट्स में। लग रहा है क्या प्रोफेशनल डेडलिफ्ट या ओलंपिक प्लेटफॉर्म? होप आप लोगों को ये पसंद आया रहेगा। अभी मेरा स्क्वाट रैक आना बाकी है, मेरा बेंच आना बाकी है और बस हो गया ऑलमोस्ट, मेरा प्रॉपर सेट बन जाएगा यहाँ पे। बहुत थक गया अभी तो, बन गया अभी प्लेटफॉर्म। अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जब मेरा स्क्वाट रैक आएगा। वीडियो क्या आपके लिए, एक सेकंड ही होगा, ऐसे हाथ डालूंगा हाथ निकालूंगा, स्क्वाट रैक आया रहेगा, बेंच आया रहेगा, होपफुली देखते अभी मैजिक। जैसे आप देख सकते हैं मेरा होम जिम रेडी हो चुका है पूरा। अभी आपका इसका बी रोल मिलेगा। वापस आ गए हैं, बहुत गर्म हो रहा है। आप लोग के लिए पंखा बन गया मैंने। तो नीचे कमेंट्स में बताइए मेरा जिम कैसा लगा। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक ठोकिए
पसंद नहीं आया तो अनलाइक कीजिए। अगर आपको जानना है कि मैंने जिम कितने में बनाया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, या आप लोग को चाहिए कि ये मैंने डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म कैसे बनाया घर बैठे बैठे, रुको एक मिनट दिखाता हूं आपको मैं। तो ये है डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म, दिख रहा है आप लोग को? आपको जानना है मैंने कैसे बनाया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और ये मैंने कहाँ से लाया, वाइनल, हम लोग का लोगोज वगैरह, पावर लिफ्टिंग हो गया, ये एक्चुअली आपने देखा देगा तो ये डेडलिफ्ट पार्टी, जो मैंने डेडलिफ्ट पार्टी अनिरुद्ध और मैंने होस्ट किया था उसका लोगो है ये, ग्राइंड गियर और द स्ट्रेंथ मॉबकास्ट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मेक इन इंडिया। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक टू गिव, प्लीज टेल देम गाइस, पीस आउट। We've been trippin' like crazy.